ओके थैंक यू। यस गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सेम टॉपिक आई विल कंटिन्यू टुडे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड द एक्सरसाइज वॉज गोइंग ऑन 5.3 एक्सरसाइज एंड yesterday we have completed our up to fourth question we have completed. Now today I am taking your fifth question of exercise 5.3. Okay, fifth question I am taking of your exercise 5.3. So in your fifth question, first I am reading the statement. You see in your, open your NCERT book, page number 113. And fifth question is, it is given the first term of an AP is 5. Your first term of an AP is 5. And the last term in the question, it is given 45. Last term. Isko aap... Yes, student. In question number 5, your first term is given A equal to 5. And the last term is given in the question 45. And the sum of nth term that is given 400. Okay. Aapke paas sum de rakha hai 400. And you have to find the number of terms. In this question, you have to find n. And aur aapko kya find karna hai? Common difference you have to find. Two things you have to find. Ek to aapko n find karna hai. एक आपको कॉमन लास्ट टर्म इज गिवन इन द क्वेश्चन एन ए टर्म इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी. एक तो एन नहीं दे रखा, एक डी नहीं दे रखा, सिर्फ लास्ट टर्म दे रखी है और ए इज गिवन फाइव हियर और एन भी नहीं दे रखा और डी इज ऑल्सो नॉट गिवन. सो 45 माइनस 5 दैट इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू डी. It means 40 equal to n minus 1 into d. Na to n de rakha hai, na hi d de rakha hai. Aur sn, sn kitna de rakha hai? Aapke paas n by 2. Aap isme is tarah se mat karo question ko. Aap ye use kar lo. Dekho n nahi de rakha, sn de rakha hai. Aur n is not given or A is given in the question 5 and last term is given in the question 45. Then you will find the value of N. Aap yahan se N ki value nikal loge aur yahan put kar doge to you will find the value of D. Pehle aap AN term laga doge to aapka ye aa jayega N minus 1 into D. Iski value aa gai 40. Now you will find the value of N here. 400 इक्वल टू एन बाय 2 इंटू 50. ये आपका 25 से कैंसल हो गया. 25 एन इक्वल टू 400. नाउ यू विल फाइंड द वैल्यू ऑफ एन हियर. ये आपका कैंसल हो जाएगा 16 से. तो एन की वैल्यू आपकी कितनी आ गई है क्वेश्चन में 16. नाउ बाय पुटिंग हियर 16 यू विल गेट द वैल्यू ऑफ डी. 16 minus 1 into D, 40 equal to 15D and you will find the value of D that is equal to 40 upon 15, 5 8 are 15, 5 3 are, 5 8 are 40, 5 3 are 15, 8 upon 3. So the value of D is 8 upon 3. देखो अगर इस तरह से क्वेश्चन आ जाते हैं तो आपको ये चेक करना होता है कि हम क्या चीज पुट करें कि हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए. एक तो आपके पास ए गिवन था और एक आपके पास एन और डी दोनों ही गिवन नहीं थे. तो यहाँ पर मेरी पूरी इक्वेशन पूरी ही बन रही है और वैल्यू निकल रही है 40. ओके यहाँ पर दोबारा एस एन का फॉर्मूला लगाया मैंने. एन बाय टू ए प्लस सम. योर ए इज गिवन, एल इज ऑल्सो गिवन. You will find the value of n from using the sn term. ठीक है, इसको आप पहले use कर सकते हो, ये बाद में लिख सकते हो. तो n की value क्या आ गई आपकी 16.
नाउ यू विल पुट इन प्लेस ऑफ n, n की जगह आपने 16 पुट किया एंड नाउ यू गेट द वैल्यू ऑफ d दैट इज इक्वल टू 8/3. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन. एंड एवरी क्वेश्चन जो है, हर एक क्वेश्चन आपने बड़े ध्यान से देखना है ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए. एंड एट द लास्ट इन द क्वेरी सेशन यू कीप योर नोटबुक विद यू. आई कॉल एनी वन ऑफ द स्टूडेंट एंड दे विल शो मी देयर नोटबुक. ओके, होमवर्क इज कंप्लीटेड अप टू एक्सरसाइज 5.3 और नॉट, जो जहां तक मैं अभी करा रही हूँ. नाउ क्वेश्चन नंबर 6 इज, यू सी इन योर नोटबुक योर क्वेश्चन नंबर 6, द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी. द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 17 एंड लास्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 350. जो जो आपको क्वेश्चन में दिया होता है पहले आपने उसको लिखना है. ठीक है, इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, कॉमन डिफरेंस कितना दे रखा है, 9 दे रखा है. हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, एक तो आपको n फाइंड करना है और सेकेंड थिंग यू हैव टू फाइंड वट आर देयर सम. आपको इन नंबर ऑफ टर्म्स का, एपी का सम ऑल्सो यू हैव टू फाइंड. हाउ यू विल फाइंड द सम एंड एन एट टर्म. तो फर्स्ट आई विल यूज द जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी, ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी. योर ए इज गिवन इन द क्वेश्चन 17 और एन आपके पास दे नहीं रखा. डी इज गिवन 9 हेयर and last term is given 350. So you will find the value of n. पहले आप 17 को इधर ट्रांसपोज करेंगे, n minus 1 into 9. Okay? So 350 में से 17 subtract कर दो तो ये आपका आ गया 333. और 9 से आप डिवाइड कर देंगे पहले, क्योंकि यहां मल्टीप्लाई में है. तो 333 डिवाइडेड बाय 9, 9 3 27 और 9 7 63, 37 इक्वल टू 9 - 1. नाउ यू विल फाइंड द वैल्यू ऑफ n दैट इज इक्वल टू 38. आपके पास एक वैल्यू आ गई है, n की वैल्यू क्या आ गई, 38. नाउ यू विल फाइंड द वैल्यू ऑफ sn. sn की वैल्यू आपने सम की वैल्यू फाइंड करनी है. a इज गिवन, d इज गिवन, लास्ट टर्म इज गिवन. आप a प्लस लास्ट लगा के भी क्वेश्चन निकाल सकते हो. आपके पास n दे रखा है, अभी हमने फाइंड किया 38 और फर्स्ट टर्म यू हैव गिवन इन द क्वेश्चन 17 और लास्ट टर्म इन द गिवन इन द क्वेश्चन 350. तो ये आपका 19 से कैंसल हो गया है. 19 इंटू 367, आप 367 से यहाँ पर मैंने ऐड किया है तो 19 से मल्टीप्लाई कर दो. तो आपका आंसर आ जाएगा ये 6973. यू हैव टू मल्टीप्लाई 367 बाय 19 एंड नाउ यू विल गेट द आंसर 6973. नोट डाउन दिस क्वेश्चन इन नोटबुक. आपके पास इस क्वेश्चन में क्या क्या गिवन था एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ. फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस एंड यू हैव टू फाइंड द एन एस एन टर्म. तो एन कैसे फाइंड किया मैंने, एन एस टर्म लेके यू फाइंड किया और एस एन कैसे फाइंड किया. सब तो हमारे पास फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दे रखे थे तो एस एन इक्वल टू ए प्लस लास्ट टर्म हो गया थे. आई हैव फाइंड द एस एन टर्म 6973. ये क्वेश्चन बहुत ध्यान से समझने हैं आपने. बी केयरफुल इन योर क्लास और लिसन, हर चीज जो है बड़े ध्यान से सुना करो सब बच्चे.
बिल्कुल इसी तरह से है, क्योंकि थर्ड क्वेश्चन जो था उसी में से कुछ क्वेश्चन जो है वो इस तरह से दे रखे हैं कि कुछ टर्म्स वैसे हैं एंड यू हैव टू फाइंड द एंडिंग टर्म्स। ओके यस स्टूडेंट, नाउ आई एम टेकिंग योर नाइन्थ क्वेश्चन ऑफ योर एनसीईआरटी बुक। इफ द सम ऑफ फर्स्ट सेवन टर्म का जो सम है दैट इज गिवन 49 एंड द 17th term का जो सम है दैट इज गिवन 289। इन द क्वेश्चन इट इज गिवन द 7th term का जो सम है दैट इज गिवन 49 और 17th term का जो सम है दैट इज गिवन 289 एंड यू हैव टू फाइंड द सम ऑफ nth term। आपको क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, आपको सम ऑफ nth term जो है वो आपको फाइंड करना है। तो किस तरह से करेंगे, सम ऑफ 7th term आपके पास n कितना है 7 है, तो आप फार्मूला क्या लगाएंगे, n by 2 2a plus n minus 1 into d, ये फार्मूला लगाएंगे आप, s7 equal to n by 2 2a plus n minus 1 into d, आप ये फार्मूला लगाएंगे और s7 आपको दे रखा है 49। आपके पास क्वेश्चन में सिर्फ n की वैल्यू दे रखी है 7 और यहाँ पर s7 की वैल्यू दे रखी है 7/2 2a plus n की जगह मैंने 7 पुट कर दिया 7-1 into d। So I take 7/2 on the left hand side, so 2a plus 6d, 7/7 = 49, it is equal to 14 equal to 2a plus 6d। This is your first equation. First equation आपकी क्या बन रही है, 2a plus 6d equal to 14। Now you will make your second equation. Second equation in s17 equal to 289. N आपको कितना दे रखा है, 17 दे रखा है। 2a plus n is 17, n की जगह मैंने 17 put कर दिया और s17 की जगह 289 और 17/2 को इधर ट्रांसपोज कर दो तो ये आपका आ जाएगा 2/17 इक्वल टू 2a प्लस 16d। सो इसको कैंसिल कर दिया, ये आ गया आपका 34 इक्वल टू 2a प्लस 16d। दिस इज योर सेकंड इक्वेशन। नाउ नाउ यू आर हैविंग द टू इक्वेशन, द फर्स्ट वन इज 2a प्लस 6d इक्वल टू 14 एंड द सेकंड इक्वेशन इज 2a प्लस 16d इक्वल टू 34। Now you have to solve these two equations and you will get the value of A and B। So एक equation आपकी कौन सी है, 2a plus 6d equal to 14 and your second equation is 2a plus 16d equal to 34। Now you have two equations and you are this variable is same, 2a is same, by subtracting these two equation you will get the value of b, minus 16d plus 16 that is equal to minus 10d and minus 34 में से 14 subtract करेंगे minus 20 is here, so you will get the value b that is equal to 20/10। आपके पास d की value कितनी आ गई है, 2 आ गई, डी की वैल्यू कितनी आ गई है 2। नाउ यू विल पुट दिस वैल्यू इन एनी वन ऑफ द इक्वेशन, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 इज 2a प्लस 6d इक्वल टू 14 एंड यू विल पुट द वैल्यू ऑफ डी, आपने डी जगह पुट करनी है 2 प्लस 12 इक्वल टू 14, 12 का ट्रांसपोज कर दो, 14-12, 2a equal to 2, so a की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 1, when you divide 2 by 2, that is equal to 1, अब आपके पास a की वैल्यू भी आ गई है, और d की वैल्यू भी आ गई है, now you have to find the value of s and term,
n upon 2 2a plus n minus 1 into d. ये आपका फॉर्मूला है सम ऑफ n टर्म निकालने का. तो यू विल पुट द वैल्यू एस एन इक्वल टू एन बाई टू. ए की वैल्यू क्या है? ए की वैल्यू है 1. 2 इंटू 1. n is not given here because you have to find the value of Sn atom. And d is given 2 here. So n by 2, 2 plus 2n minus 2. I multiply n minus 1 with the 2. It is equal to 2n minus 2. Cancel 2 with minus 2. n by 2 into 2n. 2 से 2 cancel हो गया. n को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा n स्क्वायर. सो द वैल्यू ऑफ एस एन ए टर्म दैट इज इक्वल टू n स्क्वायर. दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ पहले आपने क्या किया था, हमारे पास दो सम दे रखे थे, एक तो सेवन टर्म दे रखी थी और एक आपके पास 17 टर्म दे रखी थी. और दोनों टर्म से मैंने क्या किया है, ए और डी की वैल्यू फाइंड किया है, एक तो डी की और एक ए की. और वैल्यू फाइंड करने के बाद आई फाइंड द वैल्यू ऑफ एस एन ए टर्म. मैंने फार्मूला यूज करके एस एन का एस एन इक्वल टू एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी लगा के आई फाइंड द वैल्यू ऑफ एस एन ए टर्म. Now you see the question number 10 and 11. Now see the question number 10. Your question number 10 is Show that A1, A2, dash, 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 AN, form an AP. Form an AP, where ANF is defined. ANF को defined किया गया है 3 plus 4N. Okay. जब भी कभी आपको एस एन टर्म फाइंड करनी होती है तो आप किस तरह से फाइंड करते हो, एस एन ए टर्म किस तरह से फाइंड करते हो, आपके पास एन ए टर्म दे रखी है 3 plus 4n. तो पहले आप n की जगह यहाँ पर 1 पुट करो तो फर्स्ट टर्म क्या आ जाएगी आपकी, 4 into 1 दैट इज इक्वल टू 4 plus 3, ये क्या आ गया आपका 7. नाउ यू फाइंड द सेकेंड टर्म 3 plus 4 into 2 3 plus 8 that is equal to 11. And you have to find in the question also find the sum of first 15 term. आपको क्या find करना है? 15th term you have to find in the question. तो आपके पास ये AP तो form हो गया क्योंकि common difference जो आ रहा है वो आपका क्या आ रहा है? 4 आ रहा है. तो अगर आपको common difference निकालना है तो जैसे ये last term आपकी AN term है तो इससे पहले वाली टर्म क्या होगी, ए एन माइनस वन होगी ना. तो यहाँ पर अगर आपको फाइंड करना है कि कॉमन डिफरेंस आपका क्या है तो ए एन माइनस वन माइनस ए एन ए टर्म फाइंड करके देखो आप किस तरह से फाइंड करोगे. आपका जो ये आपने फाइंड करना है, पहले ये आपको बता रही हूँ ये आपका एपी किस तरह से फॉर्म हुआ. जो अगर आपको थर्ड टर्म भी फाइंड करनी है तो कैसे फाइंड करोगे, 3 plus 4 into 3 ये आ जाएगा आपका 15. तो 3, 11, 15 ये आपका क्या हो गया, एपी फॉर्म हो गया. फर्स्ट टर्म आपकी 7 है और कॉमन डिफरेंस जो है 11 में से 7 चला गया. आपका कॉमन डिफरेंस क्या आ गया, 4 आ गया. ठीक है, आपकी यहाँ पर अगर आपने ए एन माइनस वन फाइंड करना है तो फर्स्ट टर्म आपकी कितनी थी यहाँ पर, ये आपका ए एन टर्म जो है वो 3 plus 4n है.
तो यहाँ पर अगर मुझे ए एन माइनस वन फाइंड करना है तो मैं कैसे फाइंड करूंगी यहाँ पर ए एन माइनस वन, यहाँ पर थ्री प्लस इस तरह से लिखेंगे हम प्लस फोर इंटू एन प्लस वन माइनस ये आपका दे रखा है थ्री प्लस फोर एन, तो किस तरह से फाइंड करोगे आप फोर एन प्लस फोर माइनस थ्री प्लस फोर एन, इससे ये आपका कैंसल हो गया और ये माइनस अंदर लेकर जाएंगे तो ये भी आपका माइनस हो जाएगा और ये आपका कैंसल हो गया, तो कॉमन डिफरेंस ए एन माइनस वन माइनस ए एन ए टर्म जो है वो आपका क्या आ रहा है, ये प्लस वन करके निकालना है, ये आपका ये प्लस वन करके निकाला है ना, तो ये आपका क्या आ गया कॉमन डिफरेंस फोर आ गया, ठीक है, तो यहाँ पर भी आपका कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है फोर आ रहा है। नाउ यू हैव टू फाइंड द एस फिफ्टीन टर्म, तो किस तरह से निकालोगे आप एन बाय टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, योर ए इज गिवन इन द क्वेश्चन सेवन और एन इज गिवन इन द क्वेश्चन फिफ्टीन, ए कितना है आपका सेवन, एन कितना है फिफ्टीन और डी कितना है आपका फोर, तो ये आ जाएगा फिफ्टीन अपॉन टू, टू सेवन जा फोर्टीन, फिफ्टीन में से वन चला गया फोर्टीन इंटू फोर फिफ्टी सिक्स, ये आ गया आपका 15 अपॉन 2 इंटू 56 में 14 प्लस कर दो ये आपका कितना आ जाएगा 70, इन दोनों को आपने डिवाइड कर दिया ये आ गया 35, नाउ यू मल्टीप्लाई 35 विद 15 ये आ गया आपका आंसर आ जाएगा 525, नाउ यू हैव टू सॉल्व इट्स सेकंड पार्ट योरसेल्फ, आपने इसका सेकंड पार्ट जो है वो खुद सॉल्व करना है, ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन जो था यहाँ पर मैंने किस तरह से सॉल्व किया है, यहाँ पर जैसे ये ए एन ए टर्म है ना तो एन की जगह मैंने क्या पुट कर दिया है एन प्लस थ्री प्लस फोर एन था ये आपका ए एन ए टर्म, तो अगर मैं यहाँ एन प्लस वन कर देती हूँ एन की जगह मैंने यहाँ पर थ्री प्लस फोर एन की जगह क्या पुट कर दिया है एन प्लस वन पुट कर दिया है, तो हाउ यू विल फाइंड द कॉमन डिफरेंस, नाउ अगर आपने लास्ट से भी स्टार्ट किया है ये यहाँ आपका प्लस आएगा तो किस तरह से फाइंड करोगे कॉमन डिफरेंस, ये भी आपका क्या आ गया फोर आ गया, तो एवरी टाइम द कॉमन डिफरेंस इज फोर, तो यहाँ पर मैंने वैल्यू निकाली है एस फिफ्टीन टर्म की दैट इज इक्वल टू फाइव ट्वेंटी फाइव, नाउ यू विल नोट डाउन दिस।